हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ लिपस्टिक कंपैरिजन वीडियो, जो कि होने वाला है सिर्फ एक ही ब्रांड से और वो है NYWay। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि NYWay की कौन सी लिपस्टिक ज्यादा अच्छी है, उनकी लिक्विड लिपस्टिक ज्यादा अच्छी है या फिर उनकी बुलेट लिपस्टिक ज्यादा अच्छी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इन दोनों में से कौन सी लिपस्टिक ज्यादा अच्छी है या क्यों, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहूंगी, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेकअप, स्किन केयर या हेयर केयर, ये काफी सब्जेक्टिव होते हैं। जो आपको पसंद है हो सकता है मुझे ना पसंद हो, या जो मुझे पसंद है हो सकता है आपको ना पसंद हो। इसलिए प्लीज इस पॉइंट को माइंड में जरूर रखिएगा। पॉइंट नंबर टू, जहाँ पे बात आती है लिपस्टिक की, लिपस्टिक जो है वो मेकअप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड साथ ही साथ लिपस्टिक जो है वो अपनी पर्सनल चॉइस के अकॉर्डिंग अप्लाई की जाती है। जैसे बहुत सारे लोगों को लिक्विड लिपस्टिक यूज करना बहुत पसंद है, वहीं पे बहुत सारे लोगों को बुलेट लिपस्टिक यूज करना पसंद है। किसी को लिक्विड लिपस्टिक बहुत वियर्ड लगती है या बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और किसी को बुलेट लिपस्टिक बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो हर किसी का अपना एक पर्सनल थॉट है, अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मेरा अपना पर्सनल थॉट क्या है और इन लिपस्टिक के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा है। तो आई थिंक मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं इन लिपस्टिक के डिटेल्स की। सबसे पहली लिपस्टिक है NYWay की लिक्विड लिपस्टिक, और ये है इनकी प्राइमर प्लस मैट रेंज से। दूसरी है NYWay की लिक्विड लिपस्टिक, और ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड लिपस्टिक है। आई थिंक ये इन्होंने फर्स्ट लिक्विड लिपस्टिक जब लॉन्च की थी तब ये उस सीरीज में आई थी। और दूसरी है NYWay से बुलेट लिपस्टिक, ये है इनकी मैट लिपस्टिक विद आर्गन ऑयल, और ये इनकी रनवे रेंज से है। तो आज मैं इन चारों ही लिपस्टिक के बीच में कंपैरिजन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पहली बात लिपस्टिक ट्राई आउट करने की, तो NYWay में मैंने कई और लिपस्टिक भी ट्राई की है, जैसे कि NYWay का लिप क्रियोन, और NYWay में ही एक क्रीमी मैट रेंज भी है जिसमें से भी मैंने लिपस्टिक ट्राई आउट की है। बट यहाँ पे ना तो हम लिप क्रियोन की बात करेंगे और ना ही उनकी क्रीमी मैट रेंज ही बात करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं कि उनकी लिक्विड लिपस्टिक ज्यादा अच्छी है या फिर उनकी बुलेट लिपस्टिक ज्यादा अच्छी है। अगर मैं इन लिपस्टिक के प्राइस की बात करूं तो देखिए, प्राइस जो है, वैसे तो इनका जो मेन ओरिजिनल प्राइस है वो फिक्स है, बट इनके प्राइस शेड पे भी डिपेंड करते हैं। अब आप सोचेंगे कि जब प्राइस फिक्स हैं तो शेड पे कैसे डिपेंड करते हैं? जैसे कि अगर आप इन्हें ऑनलाइन बाय करते हैं तो अगर कोई शेड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होगा, अगर कोई शेड कम पॉपुलर है तो उसका प्राइस थोड़ा सा कम होगा। ये पॉइंट जरूर माइंड में रखिएगा। एंड सेकेंड पॉइंट, प्राइस इस पे भी डिपेंड करता है कि उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो कितनी पास या कितनी दूर है, क्योंकि उस टाइम पे लिपस्टिक जो है उन्हें सेल पे कर दिया जाता है तो उनके प्राइस थोड़े से कम होते हैं अगर उनकी एक्सपायरी डेट नज़दीक है। तो फिलहाल जहां तक रही बात इन लिपस्टिक को बाय करने की, पहले ये सिर्फ और सिर्फ पर्पल ऐप या पर्पल की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिलते थे, बट अभी फिलहाल ये आपको फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगे, अमेजोन पे भी मिल जाएंगे। तो जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो आप वहां से शॉपिंग कर सकते हैं। फिलहाल अगर मैं इन लिपस्टिक की बात करूं तो ये चारों ही लिपस्टिक मैंने अमेजोन से ही बाय की है। तो अगर आप अमेजोन से भी बाय करने के बारे में सोच रहे हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इनकेस अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वहां से चेक जरूर करें। अब बढ़ते हैं इनके शेड की तरफ कि अगर आप इनमें इन लिपस्टिक में बाय करने के बारे में सोच रहे हैं तो इनकी शेड रेंज कैसी है। जहां तक रही बात इन लिपस्टिक के शेड रेंज की, इनकी शेड रेंज बहुत अच्छी है। चाहे आप इनके फर्स्ट एडिशन लिक्विड लिपस्टिक देखें या जो न्यूली लॉन्च लिक्विड लिपस्टिक है या फिर इनकी बुलेट लिपस्टिक, शेड रेंज काफी अच्छी है। काफी अच्छी से मेरा मतलब ये है कि इनमें आपको न्यू शेड भी मिल जाएंगे, बोल्ड डीपर शेड भी मिल जाएंगे। तो जो भी आपका पर्सनल टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप शेड जो है उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बारी आती है लिपस्टिक में कंपैरिजन करने का कि लिक्विड ज्यादा बेस्ट है या फिर बुलेट ज्यादा बेस्ट है।
सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कुछ प्लस और कुछ माइनस पॉइंट की या इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। जहाँ पे बात आती है बुलेट लिपस्टिक की, अगर मैं इसके एडवांटेज की बात करूँ तो इन्हें अप्लाई करना काफ़ी आसान होता है। ये क्रीमी मैट फॉर्मूला में आते हैं, तो अगर आप अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करना भूल भी गए हैं तो कोई बात नहीं, आप इन्हें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं इन्हें रीअप्लाई करने की बात करूँ, जैसे आपने कोई फूड लिया या आपने कुछ खाया पिया, ये ट्रांसफ़र हो गए, तो आप इन्हें ईजिली रीअप्लाई भी कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं स्टेइंग पावर की बात करूँ तो इनकी जो स्टेइंग पावर होती है वो थोड़ी सी कम होती है। कम इसलिए क्योंकि ये कम्प्लीटली ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं है। आप जब भी पानी पियेंगे या चाय कॉफ़ी नाश्ता खाना, ये ट्रांसफ़र होती रहेंगी, तो इससे इनकी जो स्टेइंग पावर है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इनकी स्टेइंग पावर मैक्सिमम 3 से 4 घंटे है। उस पे भी डिपेंड करता है कि इन्हें अप्लाई करने के बाद आप इन्हें किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं लिक्विड लिपस्टिक की तरफ। सबसे पहली बात तो अगर इन्हें अप्लाई करने से पहले आपने अपने लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज और हाइड्रेट नहीं किया है तो आपको दो प्रॉब्लम होगी। पहली प्रॉब्लम यह है कि आपके लिप्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई फील होंगे क्योंकि ये लिक्विड है एंड कम्प्लीटली मैट है। और सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने बिना हाई लिप को मॉइस्चराइज और एक्सफोलिएट किए लिक्विड लिपस्टिक को अप्लाई की तो आपके जो लिप्स हैं वो बिल्कुल भी इवन नहीं रहेंगे। कहीं कहीं पे स्किन जो है वो ऐसे थोड़ी सी ऊपर नीचे दिखती रहेगी। और लिपस्टिक का जो एप्लीकेशन है वो मैं एक वर्ड में कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा बुरा दिखेगा। पॉइंट नंबर 2, वैसे तो ये लिपस्टिक जो हैं वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग से मेरा मतलब ये है कि अगर आपने इन्हें एक बार अप्लाई कर लिया है तो आप ये समझ के चलिए कि 6 से 7 घंटे के लिए ये आपके लिप्स से कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। अगर आपने कोई ऑयली फूड नहीं लिया तो, अगर आप कोई ऑयली फूड लेते हैं तो ये आपके लिप्स से ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इनके साथ भी सेम फॉर्मूला जो है या सेम रूल जो है वो अप्लाई होता है। बट फिर भी ठीक है, इतना आप मैनेज कर ही सकते हैं। अब बारी आती है रीएप्लीकेशन की। अगर मैं रीएप्लीकेशन की बात करूं, जैसे आप किसी शादी पार्टी फंक्शन में कहीं पे भी हैं, आपने कोई ऑयली फूड लिया और लिपस्टिक जो है वो फेड हो गई और आप चाहें कि आप तुरंत ही इसे रीअप्लाई कर लें, वो भी तब जब आपने लिपस्टिक को रिमूव ना किया हो कम्प्लीटली, तब इनका जो एप्लीकेशन है वो एकदम पैथेटिक होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। क्योंकि लिपस्टिक कहीं कहीं पे तो लगी रहती है और कहीं कहीं पे आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सी वियर्ड हो गई होती है। ऐसे में अगर आप इन्हें रीअप्लाई करते हैं तो बिल्कुल भी वो प्रेजेंटेबल नहीं दिखेगा। अगर इन दोनों लिपस्टिक का जो मेन कंपैरिजन है वो यही है कि बुलेट लिपस्टिक को यूज़ करना जितना आसान है, लिक्विड लिपस्टिक को यूज़ करना उतना ही टफ है। ऐसा नहीं है कि इन्हें यूज़ करने के लिए आपको किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत है, बट फिर भी दोनों के अलग अलग फॉर्मूला हैं, अलग अलग इनका पिगमेंटेशन है, अलग अलग टेक्सचर है, तो इनका वर्क भी डिफरेंट है, मतलब इन्हें यूज़ करने का तरीका भी डिफरेंट है। और अगर आप चाहती हैं कि सही तरीके से या इवन आउट लिपस्टिक आपके लिप्स पे अप्लाई हो, प्रेजेंटेबल दिखे, काफ़ी अच्छी लगे, तो आपको ये पॉइंट जो है वो माइंड में रखने होंगे। फिलहाल ये पॉइंट मैंने खुद रियलाइज़ किए हैं तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। अब अगर मैं फाइनल वर्ड की बात करूँ कि इन दोनों में से मैं आपको कौन सी रिकमेंड करूँगी कि आपको लिक्विड लिपस्टिक बाय करनी चाहिए या फिर आपको बुलेट लिपस्टिक, तो ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनल चॉइस क्या है, लिक्विड या बुलेट। लेकिन अगर आप मुझसे पूछती हैं तो मैं सीजन के अकॉर्डिंग और ओकेजन या फंक्शन के अकॉर्डिंग ही लिपस्टिक सेलेक्ट करती हूँ। जैसे अगर विंटर टाइम है तो मैं बुलेट लिपस्टिक के साथ ही जाऊँगी किसी भी ब्रांड में, किसी भी शेड के साथ। वहीं पे अगर समर टाइम है तो मैं लिक्विड लिपस्टिक के साथ जाऊँगी क्योंकि समर टाइम के लिए लिक्विड लिपस्टिक ज़्यादा अच्छी होती हैं। वहीं पे अगर मैं किसी फंक्शन में जा रही हूँ, किसी पार्टी में जा रही हूँ या कहीं भी बाहर जा रही हूँ तो मैं लिक्विड लिपस्टिक ही प्रेफर करूँगी क्योंकि ये हल्का सा आपके लिप्स को स्टेन भी कर देती हैं। तो अगर आपका ऑयली फूड आप लेते हैं और लिपस्टिक फेड हो जाती है देन कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत स्टेन जो है वो आपके लिप्स पर रहेगा तो आपका काम चल जाएगा। फिलहाल ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे लिपस्टिक जो है
वो सीजन और ओकेजन के हिसाब से अच्छी लगती है, जो कि मैं कई बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। वैसे अगर मैं फाइनल वर्ड की बात करूँ तो NY वे में बहुत ही अच्छी मतलब टेक्सचर, पिगमेंटेशन या कलर या प्राइस लिपस्टिक अवेलेबल हैं। अगर आपने अभी तक NY वे की लिपस्टिक ट्राई नहीं की है तो ट्राई आउट ज़रूर करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। चाहे इनके लिप क्रियॉन हो, इनकी बुलेट लिपस्टिक हो या फिर इनकी न्यूली लॉन्च लिक्विड लिपस्टिक, आपको बहुत पसंद आएगी, चाहे वो शेड रेंज हो, टेक्सचर हो या इनका पिगमेंटेशन। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि आपके लिए ज़्यादा अच्छा क्या है, एक लिक्विड लिपस्टिक या फिर एक बुलेट लिपस्टिक। वैसे मैंने अपना ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, आपका ओपिनियन क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि भाई मुझे भी जानना है कि आपकी पर्सनल चॉइस क्या है, आपको लिक्विड लिपस्टिक ज़्यादा पसंद है या फिर आपको बुलेट लिपस्टिक ज़्यादा पसंद है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर पहली बार आएं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर, बाय।